नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम देख रहे हैं आपका अभ्यास दो देख रहे हैं, बहुपद पॉलीनोमियल्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम आपका देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, एक एक क्वेश्चन का हमने वीडियो बना के रखा है, जाइए और उसको देखिए। चलिए आइए, सबसे पहले देखते हैं हम इसका सर्वसम का कौन सा प्रयोग होगा इसमें। तो देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इतना ज्यादा सख्त होकर पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं और हमारा मतलब है कि आप हंसते मुस्कुराते ही पूरा सीख जाइए कि असल में होता कैसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक को उठाते हैं और इसका करते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करने से पहले आपको हम इसका एक छोटा सा सरसम का बता देते हैं कि सरसम का कौन सी प्रयोग होगी और क्या क्या हम उसको लिख सकते हैं। तो देखिए सरसम का जो होता है वो होता है ए प्लस बी, पूरे के घात 3 बराबर क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी होता है, और ब्रेकेट में क्या होता है, ए प्लस का बी होता है। ये तो आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने इसको बताया था। अब इसको एक तरीके से हम लोग और लिख सकते हैं, मतलब ये जो बाहर लिखा है इसका अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन ही साल हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस, जब इसका गुणा करेंगे हम लोग, 3 ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब हमको एक बात बताइए, यहां देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा मैच कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको उठा के लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला आपका 8वें का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, लिखा है 8 ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी। अंग्रेजी हिंदी दोनों मिला के बोले कोई दिक्कत तो नहीं है, कहिए तो भोजपुरी मिला दे। अब देखल जा कैसे होल आई, देखा तो यहां लिखा लाओ 8, 8 लिखा लो ना, 8 के हम लोग का लिख सकीला, 2 की घात 3 लिख सकीला, तो लिखीला 2 की घात 2 और ए पूरे की घात 3 लिख दे प्लस बी की घात 3 लिख दें, प्लस एक बात बताइए, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी है ना, तो 3 लिखिए और ए के स्थान पे क्या है आपका 2 ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और बी के स्थान पे क्या है आपका केवल और केवल बी है, प्लस ध्यान दीजिएगा इसी पे रख रहे हैं हम, देखिए ए स्क्वायर बी होता है तो ए स्क्वायर बी हो गया। अब इधर क्या होता है, इधर भी 3 ए के स्थान पे क्या हमारा 2 ए, बी स्क्वायर, बी के स्थान पे हमारा क्या है बी है, तो बी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलिए अब जब आ गया दोस्तों, तो अब एक बात बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 2 ए प्लस बी का होल क्यूब, यही क्या हो गया हमारा गुणनखंड हो गया। लेकिन घात 3 लिखा है, इसको कितने 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर जो हमारा हो जाएगा, वो जाएगा 2 ए प्लस बी, फिर लिखेंगे 2 ए प्लस बी और फिर लिखेंगे 2 ए प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आसान है कि नहीं है, एकदम बहुत आसान, बच्चों की तरह बस आपने इसके साथ खेल लिया, बस याद है, ये सरसम का आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कितना आसान है। प्लस वाले में सब प्लस है, माइनस वाले में केवल एक लास्ट वाला है प्लस आ जाएगा, अभी हम दिखाते हैं उसको। चलिए तो ये आपका 8वें का पहला हो गया, आगे बढ़ते हैं और आगे एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल माइनस ही तो है, यहाँ माइनस हो गया यहाँ और ये प्लस हो गया बस। आइए चलिए देखते हैं इसको, सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल क्या कर दिया गया, माइनस लगा दिया गया। तो जब माइनस लगा दिया गया है तो यहाँ पे हमारी सरसम का भी माइनस वाली होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो चलिए सरसम का माइनस वाली लिखते हैं, a माइनस बी का घात 3, इसका होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 ए बी, ब्रेकेट में होता है a माइनस का b, ये होता है ना। अब इसको एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, कैसे, ये अभी बाहर है इसका अंदर गुणा करा दीजिए बस, देखिए क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस 3
ए बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। अब उसका मैच जो है इसी से कराइए, कराएंगे कि नहीं, तो दूसरा वाला करते हैं हम, लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, 8 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, हो गया ना। यहां तक समझ में आया, चलिए दोस्तों समझ में आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ए इसका घात 3 लिख सकते हैं, माइनस बी बी की घात 3 लिख सकते हैं, ये तो लिखा ही है। तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। माइनस क्या होता है, 3 ए बी होता है, 3 ए के स्थान पे ये और बी के स्थान पे बी, हो गया दोस्तों। 3 ए स्क्वायर भी होता है, सॉरी ये 3 ए स्क्वायर बी होता है, ये 3 ए स्क्वायर भी हो गया। अब देखिए आगे क्या, प्लस प्लस 3 क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है, ए हमारा क्या है 2 ए है, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होता है, माइनस वाले में केवल यही एक दिक्कत है, यहाँ पे प्लस होता है। दिक्कत क्या है, ये इसकी क्वालिटी है, यही होता है। चलिए अब ये हमारा ए और ये बी, फिर ये 3 ए बी और ये 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये किसका होता है हमारा, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होता है। तो ए के स्थान पे हमारा 2 ए है, माइनस बी के स्थान पे बी है, इसकी घात 3, हो गया दोस्तों। चलिए अब ये जब आ गया तो हमारा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 ए माइनस का बी, फिर एक में हो जाएगा 2 ए माइनस का बी, फिर दूसरे में हो जाएगा 2 ए माइनस का बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, होगा ना दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ये दूसरा वाला सवाल भी क्या हो गया, आपका हल हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा वाला क्वेश्चन, इसी में का तीसरा वाला, इन्हीं दोनों सरसंख्याओं पे पूरे का पूरा हल होगा। चलिए तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, अलग से क्वेश्चन बता देंगे, ध्यान दीजिए, लेकिन आना सब चाहिए, पेपर में आपका 100 में 100 नंबर चाहिए। चलिए आइए तीसरा वाला उठाते हैं, देखिए तीसरा वाला दोस्तों एकदम ध्यान से समझिएगा, तीसरा वाला लिखा है 27 माइनस का 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। समझने वाली बात यह है कि यहाँ माइनस आया है, यहाँ माइनस आया, और माइनस वाला किसमें होता है, ये माइनस वाले फार्मूले में होता है। तो 27 है, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 125 है तो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 ए दोनों की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 25 25 125 ए की घात 3। अब देखिए माइनस, माइनस क्या होता है, 3 ए स्क्वायर बी होता है, तो 3 लिखिए, ए स्क्वायर मतलब यही है ना 3, 3 त्रिक का 9 मतलब 3 लिखिए, 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, सॉरी इसको ए स्क्वायर और बी, बी क्या है हमारा 5 ए है ना, 5 ए हमारा, 3 ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस क्या होता है 3 ए बी स्क्वायर, ए हमारा कितना है 3 है, और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हमारा 5 ए का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो गया ना दोस्तों। चलिए अब आइए इनको देखते हैं, ये होता कितना है, ये ए क्यूब माइनस और ये हो गया बी क्यूब हो गया, तो ये फार्मूला किसका हमारा निकला, याद रहे यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, तो हमारा फार्मूला निकल गया ए माइनस बी का, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 5 ए पूरे का घात 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये 5 5 25 हो जाएगा, 25 3 75 75 3 हमारा 125 225 होता ही है, ठीक है ना। चलिए अब ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमको गुणनखंड निकालना है, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 5 ए, फिर दूसरा भी 3 माइनस का 5 ए, फिर हो जाएगा 3 माइनस का 5 ए हो जाएगा, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर यही हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं ना कितना आसान है, काफी आसान है दोस्तों, काफी मतलब क्या बताएं, बहुत ही आसान है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा तो हो गया, आते हैं चौथे पे, चौथा ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये प्लस है, इसका मतलब इसी पे चौथा भी लगेगा, चलिए चौथा भी लगाते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो हमारा जो पढ़ाने की सफलता हम सोच रहे हैं ना वो छूट गया, जान लीजिए, इसीलिए क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाए दोस्तों। माइनस 27 बी की घात 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी, ध्यान देंगे तो आप लोगों को सब एकदम आसानी से, एकदम बोलते हैं ना दिमाग में आपके सीधे बैठ जाएगा, बैठना क्या, आगे से आपको ए और बी पता चल जा रहा है, तो बस ये आपको याद होना चाहिए,
याद रहेगा, हो जाएगा, नहीं याद होगा तब भी हो जाएगा। अभी आगे है सत्यापित करने वाला सवाल। देखिए 64, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौका 64, मतलब ये लिखा जा सकता है 4a की पावर 3, लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64 और a क्यूब 64 a क्यूब हो जाएगा। माइनस 27 कहाँ आता है, 3b का क्यूब। देखिए आपको a और b मिल गया कि नहीं, एकदम आसानी से बताइए, मिल गया ना। चलिए जब मिल गया तो आगे बढ़िए। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब यही 4a का स्क्वायर, फिर b होता है और b हमारा क्या 3b है, समझ में आ रहा है, ठीक, प्लस 3 मल्टीप्लाई, a क्या है, a हमारा 4a है, 4a, और b हमारा b स्क्वायर करना है, b हमारा क्या 3b है, 3b का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, समझ में आया दोस्तों। क्योंकि जब इसको हम लोग हल करेंगे, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 हो जाएगा, इधर 4 4 तिया 12, 12 उसका 3 3 9, 12 9 108 होता है, तो वो उतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किसका फार्मूला है, तो ये हमारा फार्मूला है दोस्तों 4a माइनस 3b का होल क्यूब, फार्मूला हमारा किसका है, a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला है। तो देखिए इतना हो गया तो आंसर ये हमारा होगा नहीं, तो लिख देंगे 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b, ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि हमको गुणनखंड करना था, ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। तो दोस्तों आसान है ना, बहुत ही आसान एकदम, मतलब कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि एकदम सर इतने इजी तरीके से कहीं बताया नहीं जाता, तो ठीक है नहीं बताया जाता तो फिर एकदम नाम रोशन करिए, सारे क्वेश्चन करिए, एक ही क्वेश्चन इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला लिखा है पांचवा क्वेश्चन, जो कि आपका आठवें का आखिरी क्वेश्चन है। पांचवा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं 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 आपको नहीं करने देंगे, हमने ठीका लिया है तो हम ही करेंगे, आप बस सवाल देखिए और कॉपी कलम लेके आप उतारिए सब। चलिए पांचवा वाला देखते हैं, पांचवा लिखा है 27 p की पावर 3 माइनस 1 बटा 216 माइनस 9 बटे 2 p स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 p। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़े होंगे आठ में तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, यदि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तब भी यहाँ दिक्कत आ रहा होगा, तो कुछ ऐसा करिए कैलकुलेशन सुधारिए अपना, मैथ कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए मैथ कॉन्सेप्ट है, वहां से आप बेसिक चीजें सीख सकते हैं, बेसिक चीजें क्योंकि बहुत ही जरूरी है मैथ में, आपको कुछ आए ना आए लेकिन आपको जोड़ना घटाना गुणा और भाग करना जरूर आना चाहिए मैथ आने के लिए, इसके साथ साथ वर्गमूल घनमूल प्रतिशत वगैरह छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आपका पांचवा, 27p की घात 3 क्या लिख सकते हैं, 3p पूरे घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, माइनस 1 बटा 216 का घनमूल क्या होता है, 6 6 के 36 6 का 216, मतलब किसका होता है 6 का होता है, यहाँ 6 लिखेंगे और इसका पूरे का घात 3 कर देंगे, कर देंगे ना एकदम, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो 6 6 36 6 का 216 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होता है, 3a स्क्वायर b होता है, तो a हमारा कितना मिल गया, ये मिल गया 3a स्क्वायर, मतलब 3b का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए क्या हो रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब 3a स्क्वायर b होता है ना, तो 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर, और b हमारा कितना है दोस्तों, b हमारा 1 बटे 6, ठीक है ना, फिर प्लस यहाँ क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3a हमारा कितना दोस्तों 3p है, 3p, और देखिए b स्क्वायर हमारा कितना है, मतलब यहाँ b स्क्वायर करेंगे 1 बटा 6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे इतना हो रहा है, हो रहा ना, तो एक काम करते हैं इसको हल करने के बाद इसको हम बता देते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आइए, सब कुछ आना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट मतलब खूब बढ़िया आना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि दूसरों को भी समझा दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्योंकि उसी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं कि जो भी हमसे पढ़ ले वो पूरा का पूरा दोस्तों दूसरे को समझा सके, ठीक है। तो चलिए आइए, समझा सकते हैं आप लोग, बस कोशिश करिए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारे किस चीज का फार्मूला होता है, कौन सी सरसंख्या है, ये 3p माइनस 1/6 का घात 3, इसी की सरसंख्या है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब का है। तो चलिए ऐसे तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमको गुणनखंड बताना, ऐसे लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन गुणनखंड बताना, इसीलिए इसका खंड के रूप में लिखेंगे 3p माइनस 1/6, फिर लिखेंगे 3p माइनस 1/6, फिर लिखेंगे 3p माइनस 1/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया, ये आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन हमने आपको बताया कि हम आपको इसको हल करके दिखाते हैं कैसे इतना आता है। तो दोस्तों अगर यहाँ तक हो गया तो आप जल्दी से उतार लीजिए इसको, पुश कर लीजिए, उसके बाद उतारिएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, आप लोग ज्यादा देर तक देखेंगे, तो छोटे में ही आसानी समझ में आ जाए तो कितना बढ़िया। चलिए दोस्तों यहां से हटाते हैं इसको, चलिए अब ये हल करके दिखाते हैं कि उतना आएगा कि नहीं। तो दोस्तों देखिए इसको अगर हम हल करेंगे, 3 × 3 = 37, पी की घात 3 हो जाएगा, माइनस ये 1/636 = 216 हो जाएगा, माइनस यही ध्यान देना, 3 × 9 होगा और 3 × 9 पी स्क्वायर होगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा पी स्क्वायर गुड़े 1/6, यही ध्यान देना दोस्तों। अगली लाइन में देखेंगे हम लोग, ये देखिए 3 × 9 हो जाएगा 9 पी, और यहाँ देखिए 6 × 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो देखिए 3 × 6 = 3 × 9 = 27 हो गया ना। चलिए फिर इधर 9 × 9 = 36। अब आप देखेंगे आपके पास जो बचा है वो आपका 27 π / 3 - 1/216 माइनस इधर कितना बचा आपका 9 π² / 2, इतना बचा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा गया है, 9/2 π² भी लिख सकते हैं। प्लस यहाँ कितना बचा दोस्तों, यहाँ बचा 1/4 π, इसको आप π/4 या 1/4 π लिख सकते हैं। देखिए यही चीज आपका बचा कि नहीं, जो यहाँ पे है, यहाँ पे यही चीज बचा ना, इसीलिए हम लोगों ने उसको उस तरीके से लिख दिया था a - b³ के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, कहाँ से आप ये भी बताइए ताकि हम भी जाने कि हाँ कहाँ तक के बच्चे देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसको कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप पे उसको आप मैसेज कीजिए, फोटो खींच के भेजिए, हम उसका मैथ स्पेशल वाले वीडियो में उसका खूब बढ़िया से सोल्यूशन करके लाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।